राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान विद्या शाखा में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी शिक्षार्थी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं, इसी विषय में आपने प्रवेश लिया है। यह विषय शुरू में इसकी उपयोगिता के विषय में मैं बात कर लूँ, यह विषय जो है इसलिए बनाया गया है जिससे कि हमारे शिक्षार्थी पढ़ने के बाद या पढ़ते समय भी गाँव में जाकर किसानों के खेत पर उनसे बात करें, उनको समझावें, नई तकनीकी जो रिसर्च के माध्यम से कृषि में पैदा की गई हैं, निकाली गई हैं, उन नई तकनीकी के विषय में उन्हें बताएं और ऐसी भाषा में बताएं, ऐसे माध्यम से बताएं जो कि वो स्वीकार कर सकें, जिसको वो आसानी से समझ सकें। इसीलिए इस प्रोग्राम का महत्व हमारा है कि हम जो है ऐसे माध्यमों में प्रशिक्षित हों जिससे कि उनको हम प्रशिक्षित कर सकें, उन्हें हम बता सकें। तो इसमें जो है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों ही तरह के एजुकेशन होते हैं। हम उनके खेत पर जा कर के जो उनको तकनीकी समझाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ये नॉन फॉर्मल में आता है। तो इसमें हम कैसे प्रशिक्षित स्वयं को कर लें कि उनके यहाँ जा कर के हम इस कार्य को कर सकते हैं, इसके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें आज हम बात करेंगे PGDAE 01 पेपर पर। इसमें आपको एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा क्या है, उसको विषय में हम लोग बात करेंगे और उसमें भी सर्वप्रथम हम लोग शिक्षा के विषय में बात करेंगे और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग जो है उसके और विविध आयामों की बात करेंगे। इसमें हम लोग एजुकेशन जो है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने जा रहे हैं, ये मास्टर लेवल का प्रोग्राम है डिप्लोमा में, तो ये टर्शियरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है। प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन और ये टर्शियरी तृतीयक एजुकेशन के रूप में आता है। इसमें इसे हायर एजुकेशन कहा जाता है। तो इसी विषय में विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे, जिसके लिए मैंने एक PPT बनाया हुआ है, उसके माध्यम से द्विभाषी उसमें PPT हमारी अंग्रेजी में है, उसमें मैं हिंदी में आपको बताऊंगा, तो ये दोनों भाषाओं में आसानी से आप समझ पाएंगे। जो ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं वो अंग्रेजी के माध्यम को अपना ग्राह्य करेंगे और जो हिंदी जानते हैं वो हमारे व्याख्यान से उसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग PPT पर बात करते हैं। तो कृषि विज्ञान विद्या शाखा में पुनः आपका स्वागत है। इस PPT के माध्यम से मैं जो बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आशा है कि आप लोग उसे समझेंगे। ये जो यूनिट है हमारी एक्सटेंशन, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में छः यूनिट्स में छठवीं यूनिट ये है एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसी के अंतर्गत हम लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये कोर्स जो है उसमें PGDAE इसका एब्रीविएशन लिखा हुआ है, कोड वर्ड इसका है, और इसके जो पेपर हैं उसमें PGDAE 01, 02, 03 इस तरह से लिखे होंगे। तो हम लोग आज जो है 01 की बात करेंगे और इसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस इन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में जो हमारे इसके सिद्धांत हैं और इसकी जो व्यावहारिकता है उसके विषय में हम लोग करेंगे पूरे कोर्स में। और पहला लेक्चर आज है, पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी होगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करने से पहले हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे। अब एजुकेशन शब्द जो है, देखिए होता क्या है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वहाँ एजुकेशन को शिक्षण यहाँ कहा जाता है। तो शिक्षण जो है हायर एजुकेशन में होता है, उसके पहले अध्यापन होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में अध्यापन होता है जिसमें अध्यापक का ज़्यादा रोल होता है और छात्र का रोल केवल इतना ही होता है कि उसे सुने, समझे, सीखे और नकल करे उसकी, और उसके बाद फिर अपने कितना उसने नकल किया है, उसको कितना समझ पाया है, कितना याद कर पाया है, इसकी परीक्षा होती है। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन में आते हैं तो यहाँ एजुकेशन कहा जाता है, यानी शिक्षण और प्रशिक्षण दो चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एजुकेशन शब्द जो है ये एक लैटिन वर्ड है एजुकेशियो, उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू एजुकेट। यानी अगर हम टू शब्द लगाते हैं, एजुकेशन एजुकेट करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ कोई एक एजुकेटर होगा और एजुकेशन ग्रहण करने वाला दो पक्ष होंगे, तो दो पक्ष में एक पक्ष आप हैं शिक्षार्थी और दूसरा जो एजुकेट कर रहा है, जो समझा रहा है। यानी यहाँ आपको जो अध्यापन है, अध्यापन के साथ साथ कुछ सूचनाएं भी दी जाती हैं और तर्क वितर्क का भी यहाँ पूरी गुंजाइश होती है। तो इसका मतलब ये होता है, जो अब तक हम लोगों ने बात किया उसका साहित्यिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ अगर निकाला जाए तो यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम सिस्टमेटिक
इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ दिए जाते हैं? स्कूल्स, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में दिए जाते हैं। तो जब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में दिए जाते हैं तो ये फॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन जब उसके बाद निकल करके हम लोग कार्य क्षेत्र में जाते हैं, उनके खेत पर जा करके, जैसे किसानों की बात ले लें तो किसानों के खेत पर जा करके अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन के रूप में आ जाता है। प्री हिस्टोरिक एरा में अगर जाएं हम प्रागैतिहासिक काल में, तो वहाँ जो है एजुकेशन शुरू होता था ट्रेनिंग ऑफ यंगस्टर्स, जो हमारे नौजवान होते थे, जो हमसे छोटे होते थे, जो यंगस्टर्स का मतलब उम्र में छोटे ही नहीं होता है, जो ज्ञान में भी छोटे हैं, उनको हम लोग जो है नॉलेज और स्किल ये देते हैं। तो इसे जो है प्रागैतिहासिक काल में ये करके दिखाया जाता था या देख करके लोग सीखते थे। समाज में ये सारी बहुत सी चीज़ें होती थी जो स्कूली शिक्षा के माध्यम से नहीं प्राप्त हो पाती थी, उसे लोग ऐसे देख करके सीखते थे। और इसी के आधार पर हमारी श्रुतियाँ और ये सब लेख जो चलते चले आए हैं, जब लिखने का माध्यम नहीं था, पेपर्स नहीं थे, तब लोग सुन सुन करके याद करते थे। उसी तरह से गांव में भी स्टोरी टेलिंग होती है। तो ये तीसरे पार्ट में आएंगे। तो यहाँ प्री लिटरेट सोसाइटी के समय में जब थोड़ा लिटरेसी बढ़ने लगी, लोग पढ़ने लिखने लगे, साक्षर होने लगे, तो उस समय लोगों को मौखिक रूप से बोल करके या अपनी अपने कार्य व्यवहार से या कहानियां कह करके लोगों को एजुकेट किया जाता था, उन्हें नॉलेज दी जाती थी, नॉलेज और वैल्यूएबल नॉलेज दी जाती थी, जिससे कि उनका मान बढ़े और उनको स्किल्स उनके अंदर इनकलकेट की जाती थी। लेकिन उसके बाद जब अगला दौर आया, जब थोड़ा सांस्कृतिक रूप से हम संपन्न होने लगे और विकास होने लगा, तब हम स्किल के भी बियॉन्ड जा करके फॉर्मल एजुकेशन की बात करने लगे कि केवल देख करके सीख करके, जैसे किसान के घर में कृषि कार्य का शिक्षण लोगों को नहीं है, लेकिन प्रशिक्षण अपने परिवार से ही हो जाता है। देखते हैं, सुनते हैं कि खेत में हल कितनी बार चलाना है, कब चलाना है, कितनी नमी होनी चाहिए तो हमें जुताई खेती करनी है, कब हमें खाद देना है, कब हमें बुआई करनी है, प्राकृतिक स्थितियों को देखकर समझना, ये सब चीज़ें जो है धीरे 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 लोगों के मन में देख करके ही समझ में आती थी। लेकिन जब धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार होने लगा, लोग पढ़ने लिखने लगे, तो अब हम जो है फॉर्मल एजुकेशन की तरफ बढ़े और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, कृषि महाविद्यालयों की स्थापना हुई, और वहाँ लोग जाकर पढ़ाई करने लगे, और केवल खेती करने वाले किसान नहीं बल्कि वहाँ से वैज्ञानिक भी पैदा होने लगे, जो रिसर्च करके उसमें और परफेक्शन ले आ करके लोगों के सामने बताने लगे, परोसने लगे, और लोग उनका अनुकरण करके खेती को और आगे बढ़ाने पर प्रयास करने लगे। तो इस प्रकार जो एजुकेशन है वह एक प्रक्रिया है जो फैसिलिटेट करती है लर्निंग को, सीखने की प्रवृत्ति को फैसिलिटेट करती है, बढ़ावा देती है। और ये केवल सीखने सिखाने की बात नहीं है, इससे नॉलेज, स्किल्स यानी कार्य दक्षता, कौशल और नैतिक वैल्यूओं को भी इससे जो है दिया जाता है, बढ़ाया जाता है, लोगों के अंदर नैतिकता का इनकल्केशन होता है, लोगों की आदतों को भी सुधारा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यह प्रक्रिया जो है लोगों के शैक्षिक विकास, मानसिक उन्नति के लिए तैयार की गई है प्रक्रिया, जिससे शिक्षण प्रशिक्षण करके लोगों को एक दिशा प्रदान की गई है, जिससे कि वो अच्छे ढंग से इसको समझ सकें, और अच्छे ढंग से समझाने के लिए मेथोडोलॉजी टीचिंग की विकसित की गई, जिसे पेडोगोजी कहते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन ये जो है जनरली तीन भागों में डिवाइड की गई है। एक प्री स्कूल शिक्षा होती है, जो स्टेजेज हैं इसके, प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स, उसके बाद जो है जब ये स्कूलिंग ख़त्म होती है तब टर्शियरी एजुकेशन की बात आती है, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें अप्रेंटिसशिप यानी कार्य जो हमने सीखा है उसका जाके हम प्रशिक्षण और अच्छे ढंग से, बहुत फाइन ढंग से कैसे उसे कार्य रूप में उतारा जाए, ये अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। तो इंडस्ट्रीज या फार्म पर जा करके लोग अप्रेंटिसशिप भी करते हैं। अब टर्शियरी एजुकेशन क्या है? ये हायर एजुकेशन को टर्शियरी या थर्ड स्टेज एजुकेशन या पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन भी कहा जाता है। यानी पोस्ट सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन समाप्त करने के बाद जब हम आगे पढ़ने की बात करते हैं तो इसे पोस्ट सेकेंडरी या टर्शियरी एजुकेशन कहा जाता है। टर्शियरी एजुकेशन नॉर्मली जो है ये इसमें यूजी और पीजी के प्रोग्राम होते हैं, यानी बीए, बीएससी
या एमए एमएससी ये जो हम करते हैं वो सब सारा टर्शियरी एजुकेशन में आता है, और उसके साथ साथ जो वोकेशनल एजुकेशन होता है वो या ट्रेनिंग होती है वो भी टर्शियरी एजुकेशन में ही आता है। यहाँ एचईआईज लिखा है तो एचईआईज का मतलब होता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये मेनली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि वही यूनिवर्सिटी कॉलेज जो कि हायर एजुकेशन देती हैं, ये जनरली टर्शियरी एजुकेशन ही देती हैं। ये कलेक्टिवली इन सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अगर कहा जाए तो इनको टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, टर्शियरी तृतीयक संस्थाएं, तृतीयक शिक्षण संस्थाएं। अब जब कोई भी इंडिविजुअल जो है अपनी एजुकेशन को समाप्त कर लेता है, एडान कोर्सेज भी अगर करता है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा और ये करता है, तो वो भी टर्शियरी एजुकेशन में ही आता है, क्योंकि ये जो है प्रोफेशनल और वोकेशनल टाइप के कोर्सेज होते हैं जो कि हायर एजुकेशन में जब उनकी माध्यमिक लेवल के उनके पास ज्ञान हो जाता है तभी ये ज्ञान उनको दिया जाता है कि किसी चीज़ में कैसे कार्य व्यवहार रूप में उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि अपने व्यवहार में उतार करके वो समाज का भला कर सकें। तो हायर एजुकेशन टिपिकली जो है इसके अंदर जो काम आता है, जो वर्क आता है, वो डिग्री लेवल का ही काम आता है और फाउंडेशन लेवल का जो डिग्री है, कभी कभी जैसे ब्रिज कोर्सेज भी कराए जाते हैं, कोई कोर्स आदमी सीधे सीधे नहीं कर पाता है तो ब्रिज कोर्स के माध्यम से आता है, फाउंडेशन कोर्सेज करके आता है, तो इसको भी टर्शियरी एजुकेशन में ही लिया जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ में जनरली हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटी सिस्टम में अगर आएँ तो वहाँ कॉलेज, स्कूल्स, फैकल्टी और इंस्टीट्यूट्स, ये सारे जो है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी एक बड़ा रूप है जिसके अंदर कई कॉलेजेस, कई स्कूल्स और कई फैकल्टी और कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं। वोकेशनल एजुकेशन यह एजुकेशन का एक फॉर्म है, इसमें जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है हम उसकी बात करते हैं, जैसे कोई क्राफ्ट के विषय में जानकारी दी जाती है, या वोकेशनल एजुकेशन जो है अप्रेंटिसशिप की बात करता है, वोकेशनल एजुकेशन कारपेंट्री की बात करता है, इसमें एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की पढ़ाई से छोड़ करके अगर उसको लेकर के हम फील्ड पर उतर जाएं, फार्म लेवल पर कैसे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी भी बात आती है। इंजीनियरिंग वोकेशनल एजुकेशन में आता है, इंजीनियरिंग की शिक्षा, मेडिकल शिक्षा है, आर्किटेक्ट की शिक्षा है, फाइन आर्ट्स और ये सब जो आर्ट्स आते हैं वो सब भी शिक्षा जो है वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बार बार हम यूज़ करते हैं जिसे फ्रिक्वेंटली यूज टर्म्स कहा जाता है, जैसे लर्निंग स्ट्रेटजीज, ये बार बार आती है। तो लर्निंग स्ट्रेटजीज का मतलब होता है देयर आर मेनी लर्निंग डिवाइसेस टू बी यूज बाय द कम्युनिकेटर और टीचर फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन टू रीच एंड रिटेन इन द माइंड ऑफ लर्नर्स। लर्नर हमारे सामने बैठा हुआ है, उसको हमें कोई चीज़ समझाना है, कोई चीज़ बताना है, तो कई माध्यम होते हैं उसके। सीधे हम क्लासरूम में खड़े होकर के आपको लेक्चर दें, आपको कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख करके दिखावें, या लेबोरेटरी में ले जा करके कुछ कार्य करके आपको दिखावें, हम फील्ड पर ले जा करके कुछ काम करके दिखावें हम, जिसे हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन में जो कहा जाता है वो डिमॉन्स्ट्रेशन कहा जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएं। या कभी कभार ऐसा होता है कि बगल वाले के फॉर्म पे अच्छी खेती कराते हैं और दूसरे लोग जो अच्छी खेती नहीं सीखना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे सीख करके, हमारे पास तो उतनी ज़मीन ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो देख करके सोचने लगते हैं कि यदि यह बड़े लेवल पर खेती करके इतनी अच्छी कमाई कर सकते हैं तो हम छोटे लेवल पर उन्हीं की टेक्नोलॉजी को क्यों ना अडॉप्ट करके थोड़ी अपनी कमाई को और बढ़ा सकते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन से भी हम जो है, तो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, व्यवस्थाएँ हैं, कैसे हम जो है हमारे स्ट्रेटजीज का मतलब रणनीति है, किस तरह से हम अपनी रणनीति बनाएं जिससे कि हमारा जो लर्नर है, हमारा जो शिक्षार्थी है, हमारी बातों को अच्छे ढंग से समझ सके, ये सब चीज़ें लर्निंग स्ट्रेटजीज के अंदर आती हैं। कम्युनिकेशन, एक शब्द ये भी आता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, कैसे हम इफेक्टिवली अपने विद्यार्थी के दिमाग में अपनी बातों को उतार सकें, जो हम जानते हैं ऐसा हमारा विद्यार्थी जानने लगे, तो इस प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहा जाता है। हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं, अब इफेक्टिवली हमारा विद्यार्थी ले पाता है कि नहीं ले पाता है, अगर नहीं ले पाता है तो कैसे इफेक्टिवली उसको ले पाएगा, ये अगर हमको फिर सोचना पड़ेगा, इस पर हमको व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, तो वो पुनः जो है लर्निंग स्ट्रेटजीज में चला जाएगा। तो इस प्रकार कम्युनिकेशन जो है ये टीचिंग लर्निंग प्लस फीडबैक प्लस लर्निंग इन्वायरमेंट, ये तीन चीज़ें कम्युनिकेशन के मुख्य घटक हैं। कि एक पहली चीज़ तो टीचिंग लर्निंग के लिए कम्युनिकेशन करना है, दूसरा जो हमने पढ़ाया है उसका फीडबैक अगर विद्यार्थी हमको देगा तभी हम समझ पाएंगे कि हमने जो है उसे इफेक्टिवली पढ़ा पाया है, कम्युनिकेट कर पाया है कि नहीं कर पाया है,
और तीसरी चीज उसके साथ साथ होती है कि किस वातावरण में हम उसको जो है अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा तनाव में हो, अगर उसके सामने हम जाके ज्ञान की बात करने लगें तो सबसे पहले तो बिगड़ जाएगा हमारे ऊपर। तो सबसे पहला काम होता है कि अपने लर्निंग एनवायरनमेंट को हम ठीक करें, देखें कि वह आदमी जो हम बात कहेंगे उसे सुन पाने की पोजीशन में है कि नहीं है। सुन पाने की पोजीशन में है, शांत दिमाग से बैठा हुआ है, उसके अंदर कोई और द्वंद्व नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब हम कहेंगे तो बातों को हमारी स्वीकार कर पाएगा, समझ पाएगा। लेकिन यदि इसके उल्टे अगर बातें होती हैं कि वह बहुत तनाव में है तो वो बातों को स्वीकार नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, या हो सकता है कि उसकी प्रतिक्रिया जो है या जो फीडबैक वो दे वो गलत ढंग से फीडबैक दे, वो फीडबैक जो है हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर हमें अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी, लर्निंग स्ट्रेटेजीज को हमें ठीक करना पड़ेगा। तीसरा शब्द आता है एटीट्यूड। इट इज़ ए फीलिंग आर परसेप्शन ऑफ ए पर्सन आफ्टर रिपीटेड एक्सपीरियंस। तो जो हमने बातें बताई हैं, जो हमने समझाया है, जो हमने सिखाया है, उस चीज़ को लेकर के जब वो अपने फील्ड में उतरता है, अपने खेत पर जाता है, काम करता है, तो वहाँ उसे एक्सपीरियंस होता है, कई बार करता है, बार बार करता है, उसे अनुभव होता है, और वह अनुभव जो फील कर रहा है यही उसका एटीट्यूड निर्धारित करता है कि वो जो है इसे सकारात्मक ढंग से ले पाया है कि नहीं ले पाया है। अगर नहीं ले पाया है तो वो नकारात्मकता का प्रचार करेगा, और अगर सकारात्मक ढंग से ले पाया है तो अच्छाइयों का प्रचार करेगा। ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे शिक्षार्थियों को हमें फिर करेक्ट करना पड़ेगा या अपने आप को करेक्ट करके उनके पास जाना पड़ेगा। अगला है कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन इट रिलेट्स टू सिक्स स्टेजेस ऑफ लर्निंग। ये छह स्टेजेस क्या हैं? ये नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और जजमेंट है। ये छह हमारे कॉग्निटिव डोमेन हैं, जिसमें सबसे पहले नॉलेज ग्रहण करता है कोई शिक्षार्थी, इसके बाद उसको उसका कॉम्प्रिहेंशन करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, जब समझ लेता है, उसको लगता है कि हम समझ चुके हैं, तो फिर उसे एप्लीकेशन पार्ट में ले जाता है, उसको व्यवहार रूप में उतारने की कोशिश करता है, और व्यवहार रूप में उतारते समय वो जो हमने बताया है, जो तकनीकी हमने सिखाया है, उसका भी विश्लेषण उसके दिमाग में चलता रहता है, और जो उसके उसकी प्रतिक्रिया उसको मिलती है वहाँ से, यानी जो उसको परिणाम मिल रहे हैं, बीच बीच में मध्य परिणाम मिल रहे हैं, उनका विश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, और उसके बाद वो जजमेंट करता है कि नहीं, हमने ठीक सीखा है कि नहीं ठीक सीखा है, और उसके आधार पर हम भी जजमेंट करते हैं कि विद्यार्थी हमारा सफल होने की स्थिति में है कि नहीं है। ये जो है परीक्षार्थी बन सकता है, शिक्षार्थी परीक्षार्थी तभी बन पाएगा जब उसे अच्छे ढंग से हम पढ़ा चुके होंगे, हम भी संतुष्ट होंगे, वह भी संतुष्ट होगा, तब हम उसका परीक्षण कर सकते हैं, उसकी परीक्षा ले सकते हैं। अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या है? इट रिलेट्स टू सर्टेन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स रिलेटेड टू सेंटिमेंट्स लाइक एटीट्यूड, इंटरेस्ट, फीलिंग्स। ये जो है अफेक्टिव डोमेन जो है, ये प्रभावी डोमेन है, ये उसके व्यवहार को निर्धारित करता है, उसकी रुचियों को निर्धारित करता है कि आगे वो सीखना चाह रहा है कि नहीं सीखना चाह रहा है, और उसकी भावनाओं को निर्धारित करता है। फिर अगला है साइकोमोटर डोमेन। ये हम टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, ये शब्दावलियाँ हैं, शब्दावलियाँ जो है एजुकेशन में बार बार ही आती हैं। साइकोमोटर डोमेन क्या है? इट रिलेट्स टू द एक्शंस ऑफ बॉडी अंडर द डायरेक्शन ऑफ माइंड। हमारा दिमाग, हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी वैसे ही कार्य करती है जैसा निर्देश हमारे दिमाग से मिलता है। तो साइकोमोटर जो है ये साइकोलॉजिकल एक फेनोमेनन है जो कि हमारी बॉडी के एक्टिविटीज़ को माइंड द्वारा नियंत्रित करता है। तो दिस एक्शन मे बी एन इंडिपेंडेंट आर अंडर डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अदर फैक्टर्स। जो माइंड से हमारे कंट्रोल हो रहा है, दूसरे फैक्टर्स जो है उसको बहुत कम प्रभावित करते हैं। यदि हमारा माइंड स्ट्रांग है तो बड़े अच्छे ढंग से उसको जो है नियंत्रित कर पाएगा, अगर माइंड हमारा स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये साइकोमोटर डोमेन है। मल्टीमीडिया। दिस इज कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर मीडिया यूज्ड फॉर रेजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। अब लर्निंग एक्टिविटी क्या है? जो सीख रहा है, शिक्षार्थी सीख रहा है, उसे अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करने के लिए जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, लर्निंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही माध्यम से हम नहीं पढ़ाते हैं, दो दो तीन तीन माध्यमों का प्रयोग करते हैं, मोर देन टू जो मेथड्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं।
जैसे हम कभी जो है चाक एंड डस्टर लेकर के बोर्ड पे के ऊपर लिखते हैं, कभी स्वयं जो है ऐसे कार्य करके डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जैसे नाटक और ड्रामा में होता है कि हम जो है एक्टिविटी करके, योगा है खुद डिमॉन्स्ट्रेट करके उसको सिखाते हैं, तो ये इस प्रकार का है। और यहाँ देखिए आपके सामने हम PPT लेकर के बैठे हुए हैं, तो इस तरह से जो है कई जो मीडिया हैं उनको एक साथ मिक्स करके भी अगर हम अपने को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दिस इज़ द मल्टीमीडिया, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। तो ये मल्टीमीडिया जो है हमें सहयोग करती है हम अपने आप को कितने अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकें, समझा सकें, किसी को समझा सकें। और ये जो होता है रोल ऑफ डिफरेंट मीडिया मे बी सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव। जो ये हमारे दूसरे मीडिया हैं, ढेर सारे मीडिया है, इनके आपस इनके रोल जो है एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रतिस्थापक भी हो सकते हैं, और एक दूसरे के वैकल्पिक भी हो सकते हैं, विकल्प रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कंडीशंस ऑफ लर्निंग, लर्निंग जो है शिक्षार्थी जो एजुकेशन ले रहा है वो सीखने के लिए ले रहा है, तो इसके कंडीशंस हमारे पास 5 कंडीशंस हैं। एक मोटिवेशन है, दूसरा साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, तीसरा एक्सपेरिमेंटेशन है, चौथा फीडबैक है, पांचवा प्रैक्टिस है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ हम आपको पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको हम उत्प्रेरित कर सकते हैं कि नहीं आपको जो है पढ़ना है। जैसे हमने शेड्यूल बना दिया कि इस क्लास में आपको जो है पढ़ने आना है, अब आपके ऊपर है आप क्लास में आएँ ना आएँ, लेकिन जब हम उसके लिए तमाम बाध्यताएं लगाते हैं, 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, तब आदमी सोचता है चलो भाई किसी तरह से क्लास कर ले। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो एनी हाउ वो 75% पूरा करना चाहेगा, या उसमें हुक्स एंड क्रुक्स का इस्तेमाल करेगा, क्लास में बैठना नहीं चाहेगा, बैठेगा तो नींद उसको आ रही है, नहीं सुन पा रहा है। या ऐसा क्यों होता है, जब लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग नहीं होता है तब ऐसी स्थिति आती है। जनरली लोग कहते हैं मैथमेटिक्स के लिए क्लास में हमको नींद आती है, तो जिन्हें समझ में नहीं आता है उन्हें नींद आती है, या जब टीचर अच्छे ढंग से समझा नहीं पाता है तो उन्हें नींद आती है। अदरवाइज मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट जो नीरस टाइप के लोग सोचते हैं, समाज में परसेप्शन है, ऐसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाने वाला जो टीचर है वो इंटरेस्टिंग बना देता है, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उसमें, और लोग जो है आके क्लासेस करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमने सुना है कई ऐसे अध्यापक हुआ करते थे, जब वो पढ़ाते थे तो उनके क्लास के लड़के क्लास में बैठ करके पढ़ते थे, और दूसरे जो उनके क्लास के बच्चे नहीं होते थे, कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट होता था, वो अगल बगल खड़े होकर के सुना करते थे। तो इस प्रकार का इंटरेस्टिंग लेक्चर जो है अगर बना दिया जाए तो उसमें लोग आके पढ़ने लगते हैं, और इस फेनोमेनन को मोटिवेशन बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं, उनको प्रेरित करना, स्वतः उनके अंदर इंटरेस्ट आने लगे। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब होता है कि हम जिस समय पढ़ा रहे हैं उस समय विद्यार्थियों की साइकोलॉजी को भी हम रीड करें, ऐसा न हो कि हम कोई बात ऐसी कहें, कोई चीज़ ऐसी पढ़ावें जिससे कि उनके साइकोलॉजी पर डिफरेंट प्रभाव पड़े, एडवर्स प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो इन चीज़ों को लेकर के भी सतर्क रहना पड़ता है। वहाँ साइकोलॉजिकल सेफ्टी दी जाती है, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्लास में वो लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, तो हमें बड़ा सावधानी से काम करना पड़ता है कि ऐसी बातों को हम करें जो कि दोनों के बीच में कही जा सकती हों, ऐसी बात न कहें जिसको कि दोनों कोई उनमें से एक वर्ग जो है उसे स्वीकार न करे या उसे अप्रिय लगे। तो ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी है। एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस की क्लासेज में जनरली ऐसा होता है और आपकी एग्रीकल्चर में भी ऐसा होगा कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं जब तक उसका एक्सपेरिमेंटेशन लैब में जा कर के ना करें या फील्ड पर जा कर के ना करें तो वो अधूरा सा रहता है। और एग्रीकल्चर में तो ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको जो भी कोर्सेज पढ़ाएंगे, अब BSc AG जो है इसको प्रोफेशनल डिग्री कोर्स डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि उसमें 50% थियरी और 50% प्रैक्टिकल क्लासेज होनी चाहिए। 50% प्रैक्टिकल करने का मतलब यह है कि यह मोर प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिससे कि व्यावहारिक होना चाहिए, जिससे कि लोग जा करके खेत में या लैब में खड़े होकर के इसको स्वयं करके समझ सकें। एक्सपेरिमेंट टीचर करके केवल पर्सनली में ये वो डाल करके नहीं दिखाता है, वो करता क्या है कि ठीक है पहले तो हमने समझा दिया, डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, इसके बाद सबकी अपनी टेबल है, अपने अपने टेबल पर जाइए और जा करके जो भी केमिकल हमारे पास रखे हुए हैं जिनकी आवश्यकता है उनको लेकर के जैसे मैंने बताया है वैसे स्वयं करिए और देखिए कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज एक्सपेरिमेंटेशन।
चौथा चरण है फीडबैक। सब कुछ हमने पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन बीच में जैसे हमको पता नहीं लगा कि हमने सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, इसके पहले भी हम लोग फीडबैक पर बात कर चुके हैं, उसका हमें आपकी तरफ से प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए कि नहीं आपने ठीक पढ़ाया, ये समझ में आ गया है। जब विद्यार्थी बार बार आके कोई चीज़ पूछता है तो इसका मतलब होता है कि वो समझ गया है, थोड़ी बहुत कहीं उसकी गुंजाइश से नहीं समझ पा रहा है, तो वह आता है शिक्षक से बात करता है। बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि क्लास लिए, क्लास लेने के बाद निकले, फिर पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है कि आपसे हम बात नहीं करेंगे इस विषय पर, फिर क्लास में आएंगे तभी आप बात करिएगा। लेकिन अच्छे शिक्षक वो हैं जो क्लासरूम में जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में विद्यार्थी को जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वो जब चाहे आपसे संपर्क करें और उसकी शंकाओं का निवारण आप करें, तो इस ढंग से एक इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है उसकी और एक आपकी छवि जो है शिक्षक के रूप में बड़ी अच्छी बन जाती है कि एक बड़े अच्छे टीचर हैं जो कि हमको समझा पाते हैं, समझाते हैं, जब भी जाओ मिलने के लिए समय देते हैं और मिलते हैं और बड़े अच्छे ढंग से जो है ट्रीट करते हैं। तो इस तरह का फीडबैक को आपको बढ़ावा देना है, शिक्षकों को बढ़ावा देना है। शिक्षक जब बढ़ावा देगा तभी लोग उसके पास आएंगे। और इससे फीडबैक से होता क्या है कि केवल विद्यार्थी में विकास नहीं होता है, उसकी शंकाओं का निवारण नहीं होता है, बल्कि शिक्षक भी फीडबैक से कुछ समझता है, कुछ सीखता है। संभव है कि हमने अमरूद की बागवानी करने के लिए उसको कहा कि इलाहाबाद में जो है अमरूद के ऐसे ऐसे बागवानी किया जाएगा, उसको हमने समझाया इलाहाबाद में तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है कानपुर में जाके करना चाहता है तो वही सिचुएशन कंडीशंस एनवायरनमेंट वहाँ की नहीं है, इसलिए अमरूद जो है वहाँ सफल नहीं हो पा रहा है। तो जब नहीं सफल हो पा रहा है तो हमको जब वहाँ से फीडबैक मिलेगा तो हम जाएंगे देखने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या लोगों से चर्चाएं करेंगे, जो दूसरे वैज्ञानिक हैं उनसे चर्चाएं करेंगे, तो वो लोग हमें बताएंगे कि नहीं वहाँ जो है ये सफल, ये वैरायटी वहाँ सफल नहीं है। क्यों सफल नहीं है? कि वहाँ का एनवायरनमेंट या वहाँ की सॉयल या वहाँ का वाटर, ये सब सारी चीज़ें जो है फेवरेबल नहीं है। तो ये फीडबैक जो है दोनों के लिए उपयोगी है, शिक्षार्थी के लिए भी उपयोगी है और हमारे लिए भी उपयोगी है। हमारा शिक्षार्थी जो एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन में इस समय पढ़ रहा है, जब ये फील्ड पर जाएगा, फार्मर्स को जब बताएगा, तो वहाँ उसकी हमारी भूमिका जो शिक्षक की आपके साथ है, वही आपकी भूमिका अब किसानों के साथ आपकी हो जाएगी। और आप उसे समझाएंगे, किसान अपना फीडबैक आपको देगा और वहाँ से आप जो है कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और उसके आधार पर अब आप जो है जिस पोजीशन में हैं वहाँ रिसर्च पेपर्स भी लिख सकते हैं। तो उनसे आपको जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर अपने रिसर्च पेपर्स की भी तैयारी आप कर सकते हैं, अपने आगे की रिसर्च की भी तैयारी आप कर सकते हैं। अगला चरण है प्रैक्टिस। सब कुछ होने के बाद प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। प्रैक्टिस का मतलब रिपीटेड एक्सपीरियंस, बार बार उस कार्य को करेंगे तो आपके अंदर परफेक्शन आती जाएगी, व्यवहारिकता जो है व्यवहारिक रूप में उसको अच्छे ढंग से आप उतार पाएंगे। जैसे होता है ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, एक ही विषय के कई विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, कई हैं जो कि ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग जो है आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उनके हाथ में बड़ी सफाई है, बड़ा अच्छा ऑपरेशन करते हैं। तो हर पेशेंट जो है उस विषय में उस रोग के लिए उन्हीं से संपर्क करना चाहता है यदि ऑपरेशन की आवश्यकता आई, या कहें कि हम फलां डॉक्टर के यहाँ गए थे और दो खुराक दवा उन्होंने दी, ठीक हो गया। ये क्यों ऐसा होता है? कि उन्हें पता है, पकड़ है कि ये कैसे अच्छा ज्ञान है। कैसे उनके पास अच्छा ज्ञान आया? प्रैक्टिस से अच्छा ज्ञान आया उनके पास। वो इंक्लाइंड थे कि हमें इस विषय में जो है अच्छा करना है, तो वो अच्छा कर रहे हैं। तो उसी तरह से आप जब फील्ड में जाएंगे, अच्छे ढंग की जानकारी देंगे, तो हर किसान आपसे पूछना चाहेगा, आपसे जानना चाहेगा। दूसरे लोग भी जाते होंगे, उनसे बात नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो अच्छे ढंग से नहीं बता पाते हैं। अब थियरी ऑफ लर्निंग की हम लोग बात करें, तो ये थियरी ऑफ लर्निंग जो है, देर आर थ्री थियरीज ऑफ लर्निंग्स एज स्टेटेड बिलो, नीचे लिखा गया है। ये हमारे पास लर्निंग की तीन थियरी हैं। एक बिहेवियरिस्टिक थियरी है, व्यावहारिक थियरी है, जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच बोलते हैं वो। उसमें क्या है? बेस्ड ऑन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन विथ एनिमल्स इट वाज कंडक्टेड दैट कंक्लूडेड दैट लर्निंग इज ए प्रोसेस बाय विच स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बॉन्ड्स SR bonds कहा जाता है आर इस्टेब्लिश्ड। स्टिमुलस एंड रिस्पांस बॉन्ड जो है ये एक थियरी है जो कि एक लिंकेज है जो स्थापित होता है। ये बिहेवियरिस्ट लोग इसको मानते हैं कि जब हम टीचिंग करते हैं, लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो उसमें SR bond जो है पैदा होता है।
ऑन द बेसिस ऑफ थ्री लर्निंग लॉज वेयर इस्टेब्लिश, इसके आधार पर तीन लर्निंग के लॉज हमारे जो है नियम बनाए गए, एक लॉ ऑफ इफेक्ट है, दूसरा लॉ ऑफ रेडीनेस है, तीसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब जो है जो भी हमने बताया है वो कितना इफेक्टिव है, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब जो हमने बताया है उसको समाज में लेने के लिए कितने रेडी हैं लोग, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब होता है कि इसको हम कितना अच्छे ढंग से व्यवहार में उतारते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव थियरी, दिस थियरी हैज कंसिडरेशन ऑफ द एक्टिविटीज सच एज परसेप्शन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, लैंग्वेज यूज, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन एंड मेमोरीज। तो इसमें जो है ये थियरी कॉग्निटिव थियरी में ये पांच ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये शामिल हैं, इसमें परसेप्शन कितना आप जो है उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फिर उससे कितना कैसा कॉन्सेप्ट फॉर्म कर रहे हैं आप, फिर जो पढ़ाने का लैंग्वेज है आपका, जैसे अब यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बाइलिंगुअल की बात करें, कुछ अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, कुछ हिंदी भी बोल रहे हैं, या अगर केवल संस्कृत का श्रोता होगा तो हमको समझ ही नहीं पाएगा, अगर उसको केवल संस्कृत का ज्ञान होगा, हिंदी अंग्रेजी का नहीं ज्ञान होगा, या समझेगा तो फिर जो है उसमें अच्छे ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, तो कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। फिर थिंकिंग, उसको यूज करने के बाद फिर उसमें जो है जो भी उसने समझा है उसको लेकर के थिंक करता है, सोचता है, या हमें भी सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि और अच्छे ढंग से उसको समझा पाएँ, बता पाएँ। पहले थिंकिंग होती है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको समझना होता है, विचार करते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसके बाद तब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होने के बाद फिर उस पर जो है उसको मेमोराइज करते हैं। तो ये जनरली अगर हम मैथमेटिक्स की बात लेके चलें तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि क्या प्रॉब्लम है उसको समझना, परसेप्शन है वहाँ, फिर उसके बाद उसका फार्मूला तैयार करते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको जो है किस ढंग से लिखें कि लोगों को समझ में आ जाए, इक्वेशन फॉर्म में लिखें या ऐसे ही समझावें उदाहरण लेकर के, फिर उसके बाद हम उस पर थिंकिंग करते हैं कि अब हमको कैसे आगे बढ़ना है, फिर उसको खुद हम समझते हैं, समझने के बाद तब हम उसका सलूशन निकालते हैं, और जब सलूशन सही निकल जाता है तब उस पर हम अटेंशन देते हैं और लोगों के बीच में लेके जाते हैं मेमोराइज करके। तो ये कॉग्निटिव अप्रोच है। एक गैगने व्यूज है, इसमें रॉबर्ट एम गैगने जो है इन्होंने इस व्यू को दिया था, और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। ही आइडेंटिफाइज 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग एज गिवन बिलो, नीचे जो दिया गया है 8 तरह का उन्होंने जो है लर्निंग टाइप्स को बताया था। एक सिग्नल लर्निंग है, लोगों को कुछ करके दिखाओ और वो लर्न कर लें, सिग्नल। SR लर्निंग है, जो SR बॉन्ड की पहले हम बात कर रहे थे। फिर चेनिंग है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ आधारित होती है, एक ज्ञान के ऊपर दूसरा ज्ञान आधारित होता है, उसके ऊपर तीसरा ज्ञान आधारित होता है। जैसे BSc या BA हम करते हैं तो कुछ होता है कि फर्स्ट ईयर में ये पेपर पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में ये पेपर पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में ये पेपर पढ़ेंगे। ये सब सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं इसलिए बनाई गई हैं कि फर्स्ट ईयर में जो भी पेपर आपको पढ़ाया जाएगा उसको पढ़े बिना सेकेंड ईयर के पेपर्स को आपके अंदर समझ विकसित नहीं हो पाएगी। वह सेकेंड ईयर के जो भी पेपर हैं वो फर्स्ट ईयर वाले पेपर के ऊपर आधारित हैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद ही आप थर्ड ईयर के पेपर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर थर्ड ईयर में ही सीधे सीधे आपको पेपर पढ़ाया जाए या थर्ड ईयर के पेपर को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक चेन बना हुआ है कि फर्स्ट ईयर आफ्टर दैट सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर आपको पढ़ना है। तो इस तरह और मास्टर डिग्री लेवल में क्या होता है कि ये मान लिया जाता है कि ये चेनिंग आपने कंप्लीट कर ली है, अब इसमें कोई भी पेपर कभी भी पढ़ाया जाए तो उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा कुछ फाउंडेशन टाइप का वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो है UG लेवल पर आपको चेनिंग करके पढ़ाई जाती है। वर्बल एसोसिएशन का मतलब होता है कि जो भी बातें हो रही हैं, बताई जा रही हैं, उससे वर्बल कम्युनिकेशन स्थापित करके एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, कैसे समझ सकते हैं वो बताने की ज़रूरत होती है, मौखिक रूप से बताने की ज़रूरत होती है। फिर मल्टीपल डिसिमिनेशन होता है। मल्टीपल डिसिमिनेशन में ये होता है कि कुछ करके, कुछ बता के, कुछ मौखिक बता के, और मल्टीमीडिया की भी हम लोगों ने बात की, जैसे भी वो समझ पावे, मल्टीपल डिसिमिनेशन होता है नॉलेज का। कॉन्सेप्ट लर्निंग ये है जिसमें कि एक अवधारणा विकसित की जाती है और उसके आधार पर पूरी लर्निंग को आगे बढ़ाया जाता है। रूल लर्निंग क्या है, उसमें कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं,
लर्निंग के वो बताए जाते हैं कि कैसे कैसे आपको लर्निंग करनी है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी कभार होता है कि जैसे पजल होती है घर पे दे दिया जाता है लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताया जाता है, वरना आपस में खेलते कूदते भी लोग जो है पजल सॉल्विंग करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक तरीका होता है। ये गगनेस की का भी वो है लर्निंग के विषय में, उन्होंने आर्ट थियरी जो विकसित की थी वो ये है। लर्निंग मेथड्स, लर्निंग मेथड्स जो है सीखने के तरीके, द लर्निंग टेक्स प्लेस इन थ्री डोमेन्स, तीन डोमेन्स में लर्निंग जो है होती है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अफेक्टिव डोमेन वो भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड साइकोमोटर ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है लर्निंग के तरीके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री डोमेन्स देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ लर्निंग, इन तीनों डोमेन के आधार पर तीन जो है लर्निंग के तरीके बनाए गए हैं। लर्निंग बाई लिसनिंग, सुन करके सीखना, लर्निंग बाई व्यूइंग, देख करके सीखना, एंड लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखना। तो जितना अब तक हम लोगों ने लेक्चर दिया है, पढ़ा है, अभी तक सुना है, उसमें कुल निष्कर्ष निकल करके ये आता है कि लर्निंग के सीखने के जो तरीके हैं या सिखाने के जो तरीके हैं वो हमारे ये तीन हैं। एक तो लेक्चर के माध्यम से सुना करके, दूसरा दिखा करके, और तीसरा खुद उनको काम में इन्वॉल्व करके, यानी उनसे काम करा करके, यही प्रैक्टिकल होता है। इंक्लूजन ऑफ मशीन्स, अब सारी चीज़ों के बाद जो है अब तक जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, ये पारंपरिक ढंग था पढ़ाने का, उसमें क्लासरूम टीचिंग होती थी, क्लास में खड़े होकर के टीचर पढ़ा रहा है, लोग समझ रहे हैं, या फील्ड पर जा करके समझा रहा है, बता रहा है, लोग सीख रहे हैं। उसके बाद इसमें एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया और धीरे धीरे एजुकेशन जो है सभी लोगों के लिए एक ड्राइव के रूप में आगे बढ़ा, और उसमें मशीन्स इन्वॉल्व होती चली गईं। मशीन्स का मतलब इन्वॉल्व होने का मतलब जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसी बातें हम लोग करते हैं, कंप्यूटर के इन्वॉल्वमेंट की बातें करते हैं या इंटरनेट के इन्वॉल्वमेंट की बातें करती हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है लेटेस्ट हमारे एजुकेशन में आई हैं, जिससे कि और इफ़ेक्टिव ढंग से सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो भी रेवोल्यूशन, चाहे मैकेनिकल रेवोल्यूशन हो चाहे जो हो, ये सब सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ही हैं। कितने अच्छे ढंग से आदमी कम्युनिकेट अपने आप को, टीचर अपने आप को विद्यार्थियों के बीच में कम्युनिकेट कर पा रहा है और विद्यार्थी उसको अच्छे ढंग से समझ पा रहा है। तो ये मशीन्स का जो है इंक्लूजन हो गया धीरे धीरे, और मशीन्स की जो लर्निंग है, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, अब इसकी स्थिति ये है कि हम क्लास में लेक्चर देते तो हमारे सामने कुछ बच्चे बैठे होते, उनको हम सुनाते, उनको लैब में ले जाते, उनको प्रैक्टिकल कराते, और उनको फील्ड पर ले जा कर के डेमोंस्ट्रेशन कराते, और एक 20-25 लोगों का ग्रुप या 50 लोगों का ग्रुप या 100 लोगों का ग्रुप ही इसके लिए लाभान्वित हो पाता। लेकिन मशीन्स के इन्वॉल्वमेंट से आज स्थिति ये है कि हम यूट्यूब पर लेक्चर दे रहे हैं, और कहीं भी हमारा विद्यार्थी बैठा होगा वो इसको देखेगा और समझेगा। विद्यार्थियों के अलावा जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनके अलावा भी लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, इससे कुछ सीखेंगे और उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, उनकी अपनी लर्निंग जो है इस माध्यम से भी हो गई। तो ये मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट जो है ये लर्निंग को और इजी बनाने के लिए है और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए है। और यह जो हमारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का मोड है, आज अभी कोरोना काल में स्थिति ये बनी कि उसमें बच्चों स्कूल्स बंद कर दिए गए, बच्चे स्कूल्स नहीं जाने हैं, स्टूडेंट्स को स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आना है, लेकिन वो घर पे बैठ करके इसको पढ़ सकते हैं। पहले कंप्यूटर जिनके पास होता था वही पढ़ पाते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर आया, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद जो है लैपटॉप कंप्यूटर आया, लैपटॉप के बाद जो है अब पाम टॉप कंप्यूटर, जो आपका मोबाइल है वो पाम टॉप कंप्यूटर है, आपके एक्सेसिबिलिटी है, जहाँ कहीं भी हैं नेट को एक्सेस करते हैं, अपने मोबाइल पर आप बैठ करके पढ़ सकते हैं, ढेर सारी किताबों को आपको अपने पास नहीं रखना है। तो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के मोड में, मतलब डिस्टेंस लर्निंग के मोड में इसने जो है काफ़ी जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको फ़ायदा पहुंचाया। और हमारा तो मैंडेट ही है कि हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्लासेस पढ़ाते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करें। और स्टूडेंट्स हमारे जो है टीवी, वीसीआर, टेलीफोन, कंप्यूटर, जितने भी ये हमारे पास डिवाइसेस हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस हैं,
जिस पर कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है उस पर बैठ करके इसको पढ़ सकते हैं। और हमारे लेक्चर के अलावा दूसरे लोग भी जो लेक्चर दे रहे हैं दिए हुए हैं, यूट्यूब पर है, रिकॉर्डेड है, उनको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ से जो हमारी पाठ सामग्री है वो भी अपलोड कर दी जाती है, हमारी वेबसाइट के माध्यम से लोग पढ़ लेते हैं। तो मैकेनिकल लर्निंग ये जो है इसका इंक्लूजन, लेटेस्ट इंक्लूजन है टीचिंग उसमें। और इस तरह से हम लोगों ने जो है काफ़ी शिक्षा ने विकास किया है और आगे और भी विकास होगा, यह कोई अंत नहीं है। संभव है कि आगे जो है और भी दूसरे तरह की लर्निंग आएँ और उसके माध्यम से लोग पढ़ना सीखें। धन्यवाद।